दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। वो हमेशा कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करता है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी रहे। लेकिन ये बात भी सच है कि बॉर्डर डिस्प्यूट पर भारत भी अब कड़ा रुख अपना रहा है, चाहे वो गलवान में चीनी सैनिकों के साथ दो दो हाथ हो या अरुणाचल प्रदेश के तवांग में झड़प। दोनों बार चीन को ही मुक्की खानी पड़ी है। इसी बीच भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LAC पर अपना राज करने की तैयारी कर ली है। भारत ने LAC पर 135 किलोमीटर लंबे सिंगल लेन हाईवे बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि क्यों है ये हाईवे भारत के लिए जरूरी, क्या पड़ेगा चीन पर इसका असर और कब बनकर होगा ये हाईवे तैयार। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। आइए अब आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बनने वाले और भारत के लिए काफी जरूरी सड़क के बारे में बताते हैं। भारत के पूर्वी लद्दाख में LAC के पास बनने वाली सड़क स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है। आपको बता दें कि सड़क का ज्यादातर हिस्सा सिंधु नदी के साथ साथ चलेगा। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सड़क चीनी पक्ष के लिए एक आईने का काम करेगी, जो सीमा पर तनाव के बावजूद अपनी तरफ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुटा हुआ है। ये सड़क LAC के साथ लगभग 135 किलोमीटर की दूरी में पूर्वी लद्दाख में डेमचोक और दक्षिण के चुशुल में पेंगोंग सो की दूरी को कम करने का काम करेगी। चीन के साथ लगा LAC का हिस्सा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सेंसिटिव है। ये सड़क के बनने के साथ भारत का पक्ष और मजबूत हो जाएगा। इस सड़क मार्ग से ITBP के हेना पोस्ट और फुकचे में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के डंगटी के तिब्बतन रिफ्यूजी कैंप तक तेजी से पहुंच संभव हो सकेगी। द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने गणतंत्र दिवस से इसका जमीनी कार्य शुरू कर दिया है और 2 साल में इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की भी उम्मीद है। इसके साथ ही लोमा में सिंधु पर वर्तमान लोहे के पुल को आसपास के क्षेत्र में एक कॉन्क्रीट पुल के साथ बदलने की योजना से पूर्वी लद्दाख के बीचों बीच भारी सैन्य साजो सामान का आना जाना भी काफी आसान हो जाएगा। और ये उन दो जगहों में से भी एक है जहां बॉर्डर पर डेडलॉक अभी तक नहीं सुलझा है। हम आपको इस हाईवे के बारे में और बताएं। चलिए उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि LAC क्या है। भारत और चीन के बीच जो सीमा दोनों देशों को एक दूसरे से अलग करती है उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC कहते हैं। ये नाम सबसे पहले 1993 में दोनों देशों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते यानी कि बायलेटरल एग्रीमेंट के दौरान सामने आया था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश की जमीनी रेखा है और नॉर्थ में इसकी शुरुआत भारत ऑक्यूपाइड टेरिटरी और चीन ऑक्यूपाइड टेरिटरी अक्साई चीन को अलग करती है। ये वही हिस्सा है जो 1948 में भारत पाकिस्तान के बीच पहले युद्ध के बाद पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा हो गया था, जिसके बाद पाकिस्तान से चीन ने इसे अपने हिस्से में ला लिया था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 4057 किलोमीटर लंबी रेखा लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये एक तरह का सीज फायर एरिया है जहां दोनों देश के सैनिक नहीं आ सकते हैं। इसी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। इस एरिया में घुसने पर इस लाइन का वायलेशन माना जाता है और दोनों ही देश इसे असली सीमा नहीं मानना चाहते हैं। जहां भारत लद्दाख अक्साई चीन के काफी इलाकों को वापस जाता है जिसे चीन ने 1962 के युद्ध में छीन लिया था, वही चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकता है। चीन शुरू से ही अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता रहा है और कहीं ना कहीं चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करने के कोई ना कोई बहाने बनाता रहता है और कहीं ना कहीं रेखा का वायलेशन करता आ रहा है, जिसका भारतीय सेना भी जवाब दे रही है। दोनों देशों के बीच सीमा रेखा को लेकर अभी तक कोई अहम समझौता नहीं हुआ है। इसका मतलब किस देश की सीमा कहां तक है, इस पर अभी भी विवाद बना हुआ है और इसी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती है। दोनों देशों के बीच 50 से 100 किलोमीटर का एक ऐसा इलाका है जहां दोनों देशों की सेनाएं निगरानी करती हैं। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, हालांकि चीन इसे सिर्फ करीब 2000 किलोमीटर मानता है। आपको बता दें कि चुशुल से लेह के लिए 3 ब्लैक टॉप लिंक हैं, उसमें से 2 तांगसे पर मिलते हैं जहां से सड़क चांगला के जरिए लेह तक जाती है। एक दूसरी सड़क ईस्ट में माहे में न्योमाले सड़क से जुड़ती है। हालांकि चुशलू से सिंगू पर लोमा पुल तक की सड़क ज्यादातर कच्ची है और बालू खिसक जाने से खाई में बदल चुकी है। लोमा पुल के उस पार ये सड़क रोडलेस इलाका है जहां रेतीले हिस्सों के बीचों बीच बजरी वाली सतह का एक खाली एरिया दिखाई पड़ता है। लोमा से डेमचोक ब्लैक टॉप तक पहुंचने का जरिया हानले से है, लेकिन इसका मतलब ये है कि 18,000 से ज्यादा फीट ऊंचे
फूटी ला पर चढ़ने के बाद 19,023 फुट ऊंचे उमलिंग ला को पार करना है। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट ताशी ग्यालटसन के मुताबिक स्ट्रेटेजिक चुशुल डोंगती फुकचे डेमचुक सड़क के फाउंडेशन स्टोन के साथ और LAC के साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में भारत ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। 135 किलोमीटर लंबे राजमार्ग की लागत करीब 400 करोड़ रुपए बताई जा रही है और ये आने वाले 2 सालों में बनकर तैयार भी हो जाएगा। इसे सिंगल लेन राष्ट्रीय राजमार्ग के पैरामीटर के आधार पर तैयार किया गया है। साथ ही इस नेशनल हाईवे पर 3 महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण किया जाएगा। सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने 2018 में इस सड़क मार्ग को लेकर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली थी। 23 जनवरी को BRO ने चुशुल दुंगती फुकचे देमचुक राजमार्ग, जिसे आसान भाषा में CDFD सड़क के नाम से भी जाना जाता है, के निर्माण के लिए बोली इनवाइट की थी। उसके बाद अब चीन को जवाब देने के लिए हाईवे बनाने के प्रोसेस की शुरुआत हो गई है। असल में चुशुल वही इलाका है जहां 1962 में रेजांगला की लड़ाई लड़ी गई थी। वहीं देमचुक की बात करें तो ये भी भारत और चीन की झड़पों का गवारा है। प्लानिंग ये भी है कि इस नई सड़क की मदद से भारतीय सेना के उपकरणों और दल को जल्द से जल्द पहुंचाया जा सकेगा। इसके अलावा इस एरिया को एक सर्किट में बदलकर यहाँ टूरिज्म को विकसित करने में मदद मिलेगी। आइए अब आपको इस सड़क से होने वाले फायदों के बारे में बताते हैं। लद्दाख चुशुल डुंगती फुकचे डेमचुक सड़क के भारत के लिए कई फायदे हैं। सबसे पहले तो ये रीजन एक स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में काम करता है, जिससे चीन के साथ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में सैनिकों की क्विक डिप्लॉयमेंट की आसानी मिलती है। ये सड़क चीन से लगी सीमा की निगरानी और मॉनिटरिंग, भारत की सीमाओं की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चुशुल डुंगती फुकचे डेमचुक सड़क लोकल कम्युनिटीज के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स की भी वजह बनकर दुनिया के सामने आएगा। ये सड़क दूर दूर के गांव तक एक्सेस प्रोवाइड करती है और टूरिज्म और व्यापार जैसी नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को खोलती है। सड़क ने पहले से ही कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन के डेवलपमेंट का मार्ग प्रशस्त किया है और इस एरिया में ज्यादातर विजिटर्स को अट्रैक्ट किया है और लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है। साथ ही साथ ये सड़क भारतीय सेना की लॉजिस्टिक सपोर्ट कैपेबिलिटीज में सुधार करके भी फायदे दे सकती है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सेना सप्लाईज और पर्सनल को ज्यादा एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट कर सकती है, जो खास तौर पर हार्श वेदर कंडीशंस वाले एरियाज में जरूरी है। इससे एयर ट्रांसपोर्ट पर डिपेंडेंस कम करने और रीजन में बेहतर कनेक्टिविटी की फैसिलिटी देने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये तो बात थी भारत में होने वाले फायदे की। आइए बात करते हैं इससे चीन को किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चीन और भारत के बीच डिस्प्यूटेड एरिया में चुशुल डुंगती फुकचे डेमचुक सड़क बनाने के बाद चीन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चीन जिन प्रमुख चुनौतियों का सामना करेगा उनमें से एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का खतरा है। ये सड़क ज्यादा सेंसिटिव एरिया से होकर गुजरती है और इससे आम टकराव का खतरा बढ़ सकता है। चीन के सामने एक और समस्या सीमा सुरक्षा का मुद्दा है। चुशुल डुंगती फुकचे डेमचुक सड़क एक ऐसे क्षेत्र से होकर गुजरती है जो हिमस्खलन और भूस्खलन जैसी नेचुरल क्लाइमेटीज से ग्रस्त है। इसका मतलब है कि चीन को सड़क को बनाए रखने और सीमा को सुरक्षित रखने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट करना होगा। इससे इसके रिसोर्सेस पर काफी दबाव पड़ेगा और इसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सुरक्षा उपायों के लिए महत्वपूर्ण धन जमा करना होगा। इन चुनौतियों के अलावा चीन को डिप्लोमेटिक चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा। ये सड़क एक ऐसे क्षेत्र से होकर गुजरती है जो चीन और भारत के बीच विवादित है और इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की संभावना है। सड़क के निर्माण का चीन और भारत के बीच रिश्तों पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और इससे क्षेत्र में और तनाव बढ़ने की संभावना है। ये विशेष रूप से सच है क्योंकि सड़क का निर्माण उस क्षेत्र में किया जा रहा है जिस पर चीन और भारत दोनों दावा करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।